मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से ना केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जो अपनी हर चुनावी जनसभा में ये कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आते ही दूध व दही की नदियाँ बहने लग जाएंगी, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है तो श्री अमित शाह बताए कि वहाँ पर कितनी दूध और दही की नदियाँ बह रही हैं।